उस वक्त मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा और उनके बीच घटित हुई उस भयंकर लड़ाई के बारे में खुलासा करते हुए एक ऐसी बात कह डाली कि पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। लेकिन मोहम्मद शमी ने भारी मन से रोहित शर्मा के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए एक ऐसा बयान दे डाला जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं कि मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा की कप्तानी में शायद ही कभी खेलते दिखाई देते हैं। सूत्रों की माने तो मोहम्मद शमी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए नाम भी भेजा था, पर रोहित शर्मा ने नाम सुनते ही इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तहलका मचा दिया था और अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया बुलाने की तैयारियां चल रही है। और जब यही सवाल रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तब रोहित शर्मा अपना मुंह बनाते दिखाई दिए। वैसे यदि आप सिलेक्टर होते तो क्या मोहम्मद शमी को टीम में लेते? कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।